हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं उमरान अमन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, क्या आप लोग की बनाते हो यूट्यूब पे वीडियोस? आप लोग अपनी वीडियोस में अपना 100% देते हो, लेकिन फिर भी यूट्यूब आपकी वीडियोस को सपोर्ट नहीं करता, या फिर ये कहो कि यूट्यूब आपकी वीडियोस को व्यूज बूस्ट नहीं करता, या फिर यूट्यूब आपकी वीडियोस को ऊपर नहीं दिखाता। तो गाइस, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग इस प्रॉब्लम को कर सकते हो सॉल्व। ओह माय गॉड, वाओ गाइस, इसके लिए आपको आना चाहिए SEO। SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, जिसके बिना आपकी कोई भी वीडियोस का बूस्ट होना बिल्कुल ही बेकार है। ठीक है, पहली चीज़ हो गई SEO, और दूसरी चीज़ होती है टैग्स लगाना। गाइस, टैग्स ही एक ऐसी चीज़ होती है जो आपकी वीडियो को हर जगह रिप्लेस करती है, या फिर ये बताऊँ कि आपकी वीडियो को हर जगह शो करती है। और गाइस, तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो कि है इंप्रेशन। गाइस, इंप्रेशन एक नेचुरल चीज़ है। नेचुरल से मतलब यूट्यूब अपनी तरफ से ही इंप्रेशन देता है, मतलब कितने व्यूवर्स की स्क्रीन पे आपकी वीडियोज़ दिखाई दी जाएगी। और गाइस, उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि है आपका थंबनेल। गाइस, अगर आपका थंबनेल अच्छा नहीं होगा तो आपकी वीडियोज़ पे क्लिक कौन करेगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। इसको सोच समझने के बाद आपकी वीडियो पे जो व्यूज़ हैं वो 110% बढ़ जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, और मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको ये चारों पांचों चीज़ें ध्यान में रखनी है, और जिससे कि आपके जो वीडियोस के व्यूज़ हैं वो तुरंत फटाफट व्यूज़ बूस्ट हो जाएंगे। सो चलिए गाइस, अब हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमको अपनी वीडियो में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि SEO कैसे लाने होते हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर, और वहाँ पर बताऊँगा कि आप लोग कैसे ला सकते हो अपनी वीडियो में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो गाइस, चलिए अब बात कर लेते हैं कि कैसे आपको अपना जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो बढ़ाना है। ठीक है, जैसे कि आप लोग अपने अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, मेरा अभी चैनल का डैशबोर्ड खुला हुआ है यूट्यूब स्टूडियो में। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाऊँगा सीधे कंटेंट में। आपको मुझे एक चीज़ दिखानी, जिससे आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि SEO बेसिकली होता क्या है। गाइस देखिए, मैं यहाँ पे आ जाऊँगा हाउ टू स्ट्रीम लाइव वाले, मैंने जो वीडियो अपलोड करा था, जिसने नहीं देखा फटाफट जाके देख लेना। ठीक है, तो गाइस अगर आप मेरी वीडियो को टाइटल को ध्यान से देखो ना, तो आपको इस एक वीडियो के टाइटल में आपको 1, 2, 3, 4 और 5 टाइटल दिखेंगे। गाइस कैसे, सबसे पहला टाइटल तो ये है हाउ टू लाइव स्ट्रीम ऑन यूट्यूब विद योर एंड्रॉयड फोन। ठीक है, सबसे पहला टाइटल तो ये। दूसरा टाइटल बेस्ट ऐप किसके लिए, फॉर स्ट्रीमिंग, सबको पता ही होगा। ठीक है, और फिर तीसरा टाइटल क्या है, विदाउट 1000 सब्सक्राइबर्स, ये हो गया चौथा टाइटल। और पाँचवा टाइटल है ऑल गेम्स। अब ये जो है टाइटल्स हैं जो मेरे, ये पांचों टाइटल्स इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से। और गाइस यही होता है बेसिकली SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि आप लोगों को समझना है। ठीक है, ये चीज़ अगर आप लोगों ने समझ ली तो आपकी हर वीडियो रैंक करेगी गाइस। ठीक है, अब क्या है, अब आपको ये करना है, अब आपको अपनी वीडियो को रैंक कराना है। अब रैंक कराने के लिए आप लोग क्या करोगे, आपको जाना है वापस से जो है अपने मतलब YouTube खोल लेना है। ठीक है, YouTube खोलता हूँ मैं पीछे जा जाके, और YouTube खोलने के बाद में आपको अपना वीडियो सर्च करना है। जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा हाउ टू स्ट्रीम विदाउट 1000 सब्सक्राइबर, अब यहाँ पे जो है मेरा वीडियो कहीं से कहीं तक आ ही नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँगा अपनी वीडियो को ढूंढ के रैंक कराऊँगा। अब मैं सर्च करूँगा यहाँ पे अपने चैनल से हैरी टेक एंड व्लॉग्स के नाम से। ठीक है, तो मैंने हैरी टेक व्लॉग्स डाल दिया, तो ऊपर ही आ जाएगा, क्योंकि मेरा चैनल थोड़ा मतलब ऊपर आ चुका है। देखिए गाइस, सबसे ऊपर मेरा वीडियो आ गया है। तो आपको यही करना है, आपको वीडियो को मतलब जो है सर्च करने के बाद में उसको कम से कम 2-3 बार पूरा देखना है, मतलब बिना स्किप करे आप लोगों को 2-3 बार इस वीडियो को जो है पूरा देखना है, तो आपका वीडियो है जो रैंक कर जाएगा। और जब आपका वीडियो रैंक करेगा तो ऑटोमेटिकली आपने वीडियोस में जो टैग यूज़ करे हैं आपके, वो टैग जो है वो ऑटोमेटिकली जो है मैं कहूँ रैंक कर जाएंगे। और फिर आपको वही सारे टैग्स अपने अलग अलग वीडियोस में यूज़ करने हैं, तो आपकी बाकी की वीडियोस भी जो है मतलब व्यूज़ बढ़ने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो खोल के कि चक्कर क्या है वीडियो में। तो मैं पहले ज़रा इसकी आवाज़, हाँ तो बंद ही, ठीक है। तो गाइस अब आप लोग देखना मैंने टैग कौन से इस्तेमाल करे हैं। ठीक है, इसमें तो कोई टैग इस्तेमाल नहीं करा है। अब मैं आपको यूट्यूब स्टूडियो में जाकर दिखाता हूँ मैंने कितने सारे टैग्स इस्तेमाल करे हैं इसमें। ठीक है, तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा गाइस टैग्स क्या है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हम टैग किस हिसाब से लगाएं। गाइस अगर आपको समझना है कि टैग आपको कैसे लगाने हैं, तो आप मेरे को कमेंट डाउन करो, उसके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कंटेंट में जाऊँगा यहाँ से, और फिर यहाँ चेक करूँगा कि आपको व्यूज़ कैसे लाने हैं अपनी वीडियो में। ठीक है, यहाँ मैं अपनी वीडियो पर गया, और वीडियो जाने के बाद मैं डिटेल्स में गया, और डिटेल में जाने के बाद में आप ये देखो शो मोड पर क्लिक करूँगा, और फिर आपको यहाँ पर टैग देखना है। वैसे टैग देखो,
कितने सारे टैग लगे हुए हैं यूट्यूब स्ट्रीमिंग, हाउ टू स्ट्रीम यूट्यूब, हाउ टू स्ट्रीम 2020, हाउ टू स्ट्रीम स्ट्रीम ट्यूटोरियल, हाउ टू यूट्यूब लाइव स्ट्रीम, इतने सारे टैग यार पढ़ूंगा तो कम पड़ जाएंगे। और उसके साथ साथ मैंने गेमर्स के भी टैग लगा रखे हैं, अज्जू भाई, अमित भाई, TSG और अपना टैग लगा रखा है, और टीजी स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स का टैग लगा रखा है। ठीक है, तो गाइस यही है, आपको जो है बड़े बड़े यूट्यूबर्स के टैग अपने वीडियो में इस्तेमाल करने ताकि आपकी वीडियो ऑटोमेटिकली रैंक कर जाए। गाइस चलिए ये तो दो चीज़ें हो गई जो मैंने आपको बताया था। अब गाइस तीसरी चीज़ जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपके इम्प्रेशन, क्योंकि अगर आपकी वीडियो में कहीं से कहीं तक इम्प्रेशन ही नहीं रहेंगे तो फिर आपकी वीडियो को देखेगा कौन? ठीक है, यूट्यूब को तो देखता नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इम्प्रेशन अब क्या होते हैं, जो नए नए यूट्यूबर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये बात जानना कि होते क्या इम्प्रेशन। मैं एनालिटिक्स में आ गया, एनालिटिक्स में आने के बाद मैं रीच पे जाऊँगा, ठीक है, और रीच में जाने के बाद में आप लोग यहाँ पे देखो इम्प्रेशन 11.5K, मतलब 11,500 इम्प्रेशन, मतलब इतने लोगों को पिछले 28 दिनों में यूट्यूब ने मेरी वीडियो दिखाई है। ठीक है, इतने लोगों को जो है पिछले 28 डेज में यूट्यूब ने मेरी वीडियो सेंड करी है, उनके स्क्रीन पे मेरी वीडियो का थंबनेल दिखाया गया, और इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट, मतलब इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट गाइस CTR, यही इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। गाइज इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट, कोई आपकी वीडियो को क्लिक कब करेगा? जब आपकी वीडियो का जो मैं कहूँ थंबनेल है वो क्लासिकल होगा, वो ऑसम होगा। ठीक है, तो अब आपको ये करना है, अपना थंबनेल, सबसे पहले आपको अपने थंबनेल पे वर्क करना है गाइज, ताकि चाहे आपकी ऑडियंस हो चाहे दुनिया में कोई ऑडियंस हो, लेकिन जब तक आपका थंबनेल इतना नहीं हो तब तक आप वीडियो को देखेगा कौन? तो सही, सबसे ज़्यादा आपको वर्क करना है एक ही चीज़ पे करना है, वो है थंबनेल। अगर आपने थंबनेल बनाना सीख लिया ना तो आपकी वीडियो ऑटोमेटिकली मतलब और लोगों को रीच जाएगी। अब मेरा इंप्रेशन है 11.5K और मेरा जो इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट है वो है 7%, मतलब ये 11,500 लोगों में से 7% लोगों ने मेरा वीडियो को देखा है, और मेरे रिव्यूज़ आप लोग देख सकते 1.9K है, और यूनिक व्यूअर्स मेरे 1K है। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यूनिक व्यूअर्स से देखिए गाइस कैसे बढ़ जाते हैं, 11,000 में से 1,000 लोगों ने मेरी वीडियो को देखा है, यही है यूट्यूब का कमाल गाइस। तो आज मैंने आज की वीडियो में आपको समझा दिया है कि कैसे आप लोगों को अपनी वीडियोस पे व्यूज इंक्रीज करने हैं, होप गाइस आप लोगों को समझ में आएगा। तो हाँ गाइस एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों को शाउट आउट में पार्टिसिपेट करना है तो आप लोग जाओ कमेंट करो #shoutout में, और मैं आप लोगों के चैनल को जल्द से जल्द प्रमोट कर दूंगा अपने अगले वीडियोस में। पिछली वीडियो में तो मेरे दोस्तों ने शाउट आउट में कमेंट कर दिया #shoutout भाई, आपको शाउट आउट में कमेंट तभी करना है जब आपका कोई चैनल, मैंने सर्च करा बहुत वो चैनल मिला ही नहीं मेरे को। ठीक है, तो गाइस ठीक है ये तो शाउट आउट वाली बात हो गई, अब अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। अब गाइस आपको अगर देखिए जो है मैंने बताया कि अगर आपको थंबनेल बनाना सीखना तो भी आप मेरे को कमेंट कर दो, उसके ऊपर भी मैं जल्द से जल्द एक वीडियो निकाल दूंगा, और अगर आपको टैग्स बनाना सीखना है उसके लिए भी आप कमेंट कर दो, उसके लिए वीडियो बनाना मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर। ठीक है गाइस, सो होप आपको आज वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ गाइस यार एक बात और मैं देखो आपको आपके सामने आप लोगों को दिखा दूँ कि चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। गाइस ऑडियंस देखो आप, मैं ऑडियंस पर जाऊँगा, ऑडियंस पे गाइस 41.4% लोग ऐसे जो देख के सब्सक्राइब नहीं करते, भाई ऐसा मत करो, अगर आप लोग वीडियो से देख रहे हो ना तो जरूर सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। ठीक है गाइस, सो होप आपको वीडियो पसंद आया, तो गाइस मिलते हैं अगले ऐसे धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।